अब पंजाब पुलिस भी डकैतियां डालने लगी, कायदा ब्लैकमेल करने लगे कि आपके ऊपर FIR देंगे। गलत काम करने आया कहते तो उन्हें चपेट भी मारी, कहना मैं इंज कर देना, मैं उंज कर देना। एक SI से पिछले नाम नहीं पढ़िया है, अगले चौंक में लग गए। अच्छा उधर तार दिया उन्होंने, कहते भाग जो पर्चा दे देना, पैसों का राशन डालना था। मैंने मोबाइल दिन सेल किया था। जो अपने यूनिफॉर्म को गंदा करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने उनके लिए पढ़ा। पंजाब पुलिस डकैत बन गई, अब पंजाब पुलिस भी डकैतियां डालने लगी। इसी तरह इस नौजवान के साथ दो कांस्टेबलों ने डकैती डाली, वो डकैती किस तरह से डाली, ये जवान आता है दाता साहब सलाम करने के लिए, लेकिन दो मुलाजम इसको रोकते हैं और रोक कर इसकी तलाशी लेते हैं, साइड पर ले जाते हैं और इससे कुछ ही नहीं निकलता। लेकिन इसके पास 15 से 16 हज़ार रुपये निकलता है, वो भी मोबाइल बेचा और घर राशन के लिए जा रहा था कि घर में राशन डाल सकूंगा, क्योंकि इसकी 6 बहनें हैं। लेकिन पुलिस ने 16 हज़ार में से 10 हज़ार निकाल लिया, 6 हज़ार इसको दिए, बकायदा ब्लैकमेल करने लगे कि हम आपके ऊपर FIR देंगे। बाकी की बात इससे जानूंगा कि इसके साथ हुआ क्या, खुद बताएगा सब कुछ। भैजन क्या हुआ है, कहाँ से आए हो? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से क्या करने आए थे यहाँ पे? दाता साहब सलाम करने। दाता साहब सलाम करने आए थे, फिर क्या हुआ? मैंने दाता साहब सलाम किया, इधर से बोतल पी तो इधर ना खुसरो पास लड़के खड़े हुए थे। अच्छा आप इधर खड़े थे? हाँ जी। अच्छा फिर क्या हुआ? दो खास पीछे से ना पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने ऐसे बाजू मेरे गाल में डाला, वो कह रहे इधर आओ। पुलिस वाले दो आए और आप पर यहाँ पर बाजू डाल के कहाँ पर लेकर गए? अगले चौक में ले गए। आगे लेकर गए? हाँ जी। अच्छा वो कह रहे इधर तो गलत पर्चा देना। कौन सा पर्चा देना? पर्चा देना देते। अच्छा तो गलत काम करना आया कहते आप पर 377 की FIR देंगे। हाँ जी 377 की FIR, यानी के लड़का लड़के के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया। फिर किया भी कुछ नहीं था मैंने। अच्छा तो वो कह रहे इसकी तलाशी लो, अगला मोटरसाइकिल तलाशी ली है। हाँ जी कुछ निकला ऐसा वैसा? 16 हज़ार रुपया निकला। पैसों के अलावा कुछ आपके पास निकला ऐसा वैसा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं निकला। क्या हुआ? 10 हज़ार रुपया उन्होंने रख लिया, 6 हज़ार रुपया मोड़ दिया। 10 हज़ार पुलिस वालों ने रख लिया, 6 हज़ार वापस दे दिया। हाँ जी पाप। आपने क्यों दिए पैसे? मैं डर गया वो पर्चा ना दे देने। आप डर गए थे? हाँ जी। कि यार मुझे थाने लेकर जाएंगे, हाँ पर्चा दे देंगे। हाँ जी वो तो उन्हें चपेट भी मारी, कहना मैं इंज कर देना, मैं उंज कर देना। चपेट भी यानी कि मारा भी है? हाँ जी। उनके कोई नाम या कोई बैच या कुछ ऐसा लिखा हुआ था? यूनिफॉर्म में थे या सिविल में थे? नहीं अगला एक SI से पिछले नाम नहीं पढ़िया है। एक ASI था, फूल लगा हुआ था एक? नहीं वो ASI नहीं हुए, फिर कांस्टेबल थे। फूल कोई लगा हुआ था किसी को? एक लगा हुआ एक नो ASI लिखा था, एक फूल लग गया भाई। अच्छा यहाँ पर ASI बैच लगा हुआ था और एक फूल लगा था, और कितने कांस्टेबल थे उसके साथ? दो ही थे बस। दो थे? हाँ जी। अच्छा कहाँ लेकर गया? अगले चौक में लग गए। अच्छा उधर तार दिया उन्होंने, कहते भाग जो पर्चा दे देना। फैसलाबाद से आए हो? हाँ जी। पैसों का क्या करना था, क्या किया पैसे? पैसों का राशन डालना था। मैंने मोबाइल दिन सेल किया था। मोबाइल बेचा इधर लाहौर में? नहीं नहीं उधर कचहरी बाजार शहर। अच्छा तो क्या करना, राशन डालना था घर में? हाँ जी। ये जी हमारे पुलिस का निज़ाम है, अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं इन्नलिल्लाहि व इन्नलिलैहि राजिऊन, ये मैंने उन पुलिस वालों के लिए पढ़ा है जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनका ज़मीर मर चुका है, जो रिश्वत खाते हैं और जो अपने यूनिफॉर्म को गंदा करते हैं और पाक वर्दी को गंदा करते हैं। ये इन्नलिल्लाहि व इन्नलिलैहि राजिऊन, ये मैंने उनके लिए पढ़ा है। अच्छा ये पैसे थे, ये तलाशी ली आपके पॉकेट से निकाले? हाँ जी। अच्छा फिर 10 हज़ार भी उन्होंने ले लिया है? 10 हज़ार, 1000 के या 5-5? 5-5 हज़ार वाले। 5-5 हज़ार वाले दो नोट? हाँ जी वो निकाल लिए, बाकी आपको दे। हाँ जी बकाया टूटे पैसे मोड़ दे, कहते ले लो। IG साहब आपने थाने तो बड़े खूबसूरत कर दिए पंजाब भर के हैं, घरों को आपने साफ एक महल बना दिया है थानों को, लेकिन पुलिस का निज़ाम वैसे का वैसा है पंजाब पुलिस का। अब इस गरीब के साथ जो ज्यादती हुई है, इस नौजवान के साथ, अब इसने अभी आगे देखना है पाकिस्तान, अभी इसने जवानी पकड़ी है, अभी इसको अभी इस उम्र में पता चल गया कि हमारे पुलिस का निज़ाम क्या है और पुलिस ने क्या ज्यादती कर डाली इस जवान के साथ। ना कि यह ना तो ये कोई गुनाहगार है, ना कोई डकैत है, ना कोई चोर है, पुलिस ने सिर्फ तलाशी ली और कुछ भी नहीं निकला, कुछ ऐसा वैसा सिगरेट सादा सिगरेट पीते हो, कोई नशा करते हो, सुपारी भी नहीं खाते, सुपारी तक नहीं खाते, सिर्फ पैसे निकले। हाँ जी पैसे निकले। अब वो पुलिस वाले थे या डकैत थे, CCTV
कैमरे लगे हैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे लाहौर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आईजी साहब आप देख सकते हैं और इस टाइम क्लियर आपको नज़र आएगा कि वो कौन से दो मुलाजम थे, वो कौन सा खबीस एएसआई था जिसको एक फूल लगा था और वो इतना बेशरम इंसान हो चुका है कि अपने बहनों के लिए अपने घर के लिए ये राशन लेकर जा रहा था उन पैसों का, लेकिन उसने कमीने ने 10,000 खुद रख लिए और 6,000 इसको वापस दे दिए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के रिश्वत खोरों और पुलिस वालों को। मैं सिर्फ यही कहूँगा हमारे बड़े बड़े अच्छे अफसरान भी हैं पुलिस में, उनका नाम बदनाम करते हैं ये लोग। आईजी साहब खुदारा अपने पुलिस का निज़ाम ठीक करें, थाने खूबसूरत करने से कुछ नहीं होगा, पुलिस का निज़ाम ठीक करें। भाईजान इसमें एक आपकी भी जो है ना कमज़ोरी है, पहली तो ये है कि आप नौजवान हो, ठीक है, आप डर गए हो। आप क्यों डरे हो? उसी टाइम 15 पे कॉल करो, मोबाइल है आपके पास, 15 पे कॉल करते, पुलिस आती थाने से मुतलका और पता चलाते कि भाई ये कौन है, वाकई ये पुलिस वाले थे या पुलिस की यूनिफॉर्म में चोर डकैत है। इस तरह के काफ़ी वारदात हो चुके हैं, पुलिस वालों ने ही इस तरह के चोर पकड़े हैं जो यूनिफॉर्म पहन कर वारदातें डालते हैं। आपने ऐसा किया? नहीं, मैंने नहीं। वन भाई पे कॉल नहीं की? नहीं, वो पुलिस वाले थे। अभी थाने गए हो, एप्लीकेशन दी है इनके? नहीं, नहीं, मैंने। अभी आपने काम करना है, आपने दाता साहब थाने जाना है और इन दो पुलिस वालों के खिलाफ एप्लीकेशन देनी है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं काटेंगे तो फिर तेरा भाई आपके साथ जाएगा, बाकायदा मैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन कटवाऊँगा और FIR करवाऊँगा। मुझे ये डर है SPCT अगर ये देख रहा है ये वीडियो, और ये बहुत बड़ा मैसेज है पुलिस के लिए, अगर आपने इस नौजवान को इंसाफ नहीं दिया तो ऐसे डकैतियाँ होती रहेंगी सरेआम, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि हमारे पुलिस से ये नौजवान बहुत जल्दी डर जाते हैं। गलती भी नहीं होती लेकिन फिर भी डर जाते हैं कि यार ये थाने ले जाएंगे। खुदा का वास्ता यार, पुलिस का निज़ाम ठीक कर लें। पुलिस देखते ही नौजवान और बड़े बड़े थड़थड़ा जाते हैं कि यार ये हमें थाने ले जाएगा। शरीफ इंसान डर जाता है, ये हमें थाने लेके जाएगा, हम पर झूठी FIR देगा, और झूठी FIR देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये झूठी FIR में नामजद कर देगा और इस बड़े भाई का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ना ये इधर के मुंह दिखाने का लायक होगा, ना ये बाहर जा सकेगा, तो इसका निज़ाम, इसका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा। IG साहब ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप एक्शन लें और इन दो मुलाजमों के खिलाफ, इस ASI के ख़िलाफ़ एक्शन लें ताकि इस मेरे भाई को इंसाफ मिले और इसको वापस 10,000 रुपये मिले। अल्लाह।